औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, होप यू आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक योर लेक्चर रेगुलरली। ओके, हमने तकरीबन चैप्टर का 1/3 पार्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है। पहले हमने इसके थोड़ा सा ओवरव्यू पिछले चैप्टर लेक्चर का मैं दे देता हूँ। हमने पढ़ा था कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है, या डेटा मॉडलिंग क्या होती है, और उसकी इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर डेटा मॉडलिंग बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम ये हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, इसमें ये थोड़ी सी ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। उससे पहले ये 2 नंबर की शॉर्ट डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। ये डेफिनेशन अगर आपको समझ होगी तो तभी आप ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा इसको समझाने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस का, ठीक है। अच्छा एंटिटी क्लास होता है मतलब, मैंने आपको पहले बताया था, एंटिटी हर वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी कुछ ज़ात होती हैं, जिनका डाटा हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पर्सन है, तो उसमें हमारी एंटिटीज कौन कौन सी हो सकती है, हमारा स्टूडेंट, टीचर, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे पीएंस, हमारे डॉक्टर्स, ठीक है, हमारे सर्वेंट्स, ठीक है, इसी तरह हमारे पेरेंट्स वगैरह, ये सारे मतलब ब्रदर सिस्टर, ये सारे हमारे पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है। तो एंटिटी क्लास बेसिकली हमारी एंटिटी मतलब सेम एंटिटी टाइप, अगर मैं कहता हूँ पर्सन एंटिटी है तो वो, जैसे कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट है, ठीक है, तो जिस तरह इसने एग्जांपल दिया है, तो स्टूडेंट्स की अगर पूरी क्लास होगी ना तो उसको हम कहेंगे एंटिटी क्लास कह देंगे। अगर मैं कहता हूँ इम्प्लॉय, तो इम्प्लॉय का एक ग्रुप जो होगा ना, मुलाजमीन मुख्तलिफ किसी कंपनी के होंगे, उनको हम कहेंगे इम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारी जो क्लासेज होती हैं ये हमारी डील हो रही होती हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा था हमारी एंटिटी क्लास होती है, मतलब कोई भी जो एंटिटी, मतलब कोई भी जो एंटिटी है उनको अगर हम इकट्ठा कर लें, जैसे कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट एंटिटी, तो उनको अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठे कर लें तो वो एंटिटी क्लास बन जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल आपके जनरल लाइफ में मैं कहते हैं, अगर एक सिंगल स्टूडेंट है तो उसको सिंगल कहते हैं, मतलब स्टूडेंट कहते हैं। अगर 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे हों, 10-12 स्टूडेंट इकट्ठे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्लास कह देते हैं। ओके, ये तो होगी एंटिटी क्लास की बात। अब उस क्लास में कोई भी जो एक इंस्टेंस है, उसका कोई एक फर्द कह लें, उसका कोई एक इंस्टेंस मीन्स उसका कोई एक मेंबर कह लें, मेंबर कह लें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसका इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एंटिटी क्लास मैंने बोला है कि एक क्लास है, जैसे कि सेकंड ईयर की क्लास है आपकी, इसमें से कोई भी जो एक स्टूडेंट होगा वो उसका क्या होगा, इंस्टेंस होगा, ठीक है, उसका एक फर्द होगा, ठीक है। तो ये हमारी 2 डेफिनेशन है। अब बुक वाले को देख लेते हैं, इसने क्या फिलासफी सेट की है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास, यानी एंटिटीज एक ही किस्म की एंटिटीज का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी क्लास कहते हैं। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक, वो कहते हैं किसी भी एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास में जो सारी एंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कॉमन होती है। जैसे कि एक जमात है, तो जमात में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स मीन, ये नहीं कि वो सारे एक जैसे लायक होंगे, नहीं, करेक्टरिस्टिक्स मीन उनके नेम भी होंगे, हर स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा, हर स्टूडेंट का कोई एड्रेस होगा, हर स्टूडेंट की कोई डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी जो जो खसूसियात एक किसी स्टूडेंट की होगी वो सबकी वही सेम होगी, ठीक है। उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब नेम सबका होगा, ये नहीं कि सबका सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इन कलेक्शन ऑफ इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कहते हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एंटिटी जो क्लास है वो तमाम स्टूडेंट्स का एक मजमू है। ए मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी इंस्टेंस, कहता है जो किसी भी एंटिटी क्लास का जो मेंबर होता है, जो फर्द होता है, जो उसका हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज एन एंटिटी इंस्टेंस, वो कहता है कि एक हमारी स्टूडेंट एंटिटी टाइप है या स्टूडेंट एंटिटी क्लास है, उसका जो एक स्टूडेंट है जिसका नाम अब्दुल्ला है वो क्या, उसका एंटिटी इंस्टेंस है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में जो आपकी एंटिटी क्लास होती है वो किसी भी एंटिटी टाइप का या किसी भी एंटिटी जो मुकम्मल हम मतलब किसी भी एंटिटी का मजमुआ कह लें, सेम एंटिटी का मजमुआ, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी क्लास कहते हैं। और जो एक एंटिटी होती है उस क्लास में से, उस मजमुए में से कोई एक बंदा या एक फर्द, उसका एक पार्ट, एक हिस्सा, उसको हम एंटिटी इंस्टेंस कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में।
अच्छा, उसके बाद आई डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आई होप आपको ये एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस की बिल्कुल समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आती तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं आफ्टर द लेक्चर। अच्छा, उसके बाद है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, यानी हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनके दरमियान जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारी टाइप्स हैं रिलेशनशिप्स की, वो कौन कौन सी हैं हो सकती हैं। अच्छा, पहले रिलेशनशिप्स आपने पढ़ा है कि लॉजिकल कनेक्शन जो होते हैं एंटिटीज के दरमियान उसको हम रिलेशनशिप्स कहते हैं, यानी एंटिटीज एक दूसरे के साथ किस तरह लिंक्ड हैं, किस तरह जुड़ी होती हैं, हम उनको एक दूसरे के साथ किस तरह उनका रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। कहते हैं जो दो एंटिटी टाइप्स हैं, ठीक है, एंटिटी टाइप्स मीन एंटिटी क्लास, आपने ज़हन में रखना। जो एंटिटी टाइप्स हैं, जो एंटिटी टाइप्स क्लासेस हैं, उनके जो इंस्टेंसेस हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स होता है वो क्या होता है, बाइनरी होता है। ठीक है, टू वे होता है, बाइनरी मीन्स टू वे होता है। मतलब एक स्टूडेंट स्टूडेंट रीड्स अ बुक, स्टूडेंट बुक पढ़ता है, ए बुक इज रीड बाई द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट ने, या स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट, स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट स्टूडेंट से खेली जाती है, यानी दोनों तरफ रिलेशनशिप है। सही है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अली के वालिद साहब, अली के वालिद का नाम अकबर है, क्या है, अली के वालिद का नाम अकबर है, और अकबर किसके वालिद हैं, वो अली के हैं। ये तो नहीं, जैसे कि दो बंदे मैं कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास की मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ कि उम्मे फरवा और जो आपकी सबा है ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, उम्मे फरवा की बहन सबा है, तो सबा भी तो उम्मे फरवा की बहन है ना, तो ये रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे कि दो कजन्स होते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह वो कहता है इसमें बाइनरी रिलेशनशिप है, दोनों तरफ रिलेशनशिप्स होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर एज फॉलोज, वो कहता है मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं हमारे पास। पहला है हमारा जी रिलेशनशिप वन टू वन रिलेशनशिप। सही है, ओके। अच्छा, एक आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है इसमें, तो बाकी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, सारी डेफिनेशन सेम है। ठीक, थोड़ा सा फर्क है उसके नेम से लिहाज ना, आपने पहले देखना कि मैं किसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी वन टू वन रिलेशनशिप, यानी किसी एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंस के साथ रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या समझ आई, वन टू वन से मुराद किसी एक एंटिटी टाइप का या किसी एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी क्लास के एक इंस्टेंस के साथ लिंक्ड है, तो हम क्या कहेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप है। ठीक है, ओके। आगे ये बता रहे रिलेशनशिप कहाँ यूज होता है, आप देखते हैं, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज वैन, वो कहता है ये रिलेशनशिप इस्तेमाल होता है कब, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी जो पहली एंटिटी क्लास के हर इंस्टेंस में, यानी कोई पहली जो क्लास कह लें, पहली हमारी जो एंटिटी टाइप है, जैसे कि एक स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से हर जो इंस्टेंस है, देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देर इज ओनली इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास। ठीक है, वो ये इसमें आपको अगर सिंपल मैं वर्ड में बताऊं, वो कहता है कि एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एंटिटी क्लास है स्टूडेंट नेम्स की। ठीक है, एक एंटिटी क्लास है वो हम क्या लेते हैं, स्टूडेंट नेम्स की है, और फॉर एग्जाम्पल हर फैमिली के, मतलब ऐसे कोई भी नहीं, मतलब एक क्लास में कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जो आपस में मतलब बहन भाई हैं या बहनें हैं, दो दो मतलब ऐसे कोई भी मतलब नहीं है स्टूडेंट हमारी क्लास में जो आपस में बहने हैं। ठीक है, मैं लड़कियों की अगर बात कर लेता हूँ तो सारी जो है मतलब अलग अलग है, कि कोई भी मतलब दो बहनें उस क्लास में नहीं पढ़ती। तो अगर मैं कहता हूँ एक मेरी एंटिटी क्लास है जिसमें स्टूडेंट के नेम है और दूसरी एंटिटी क्लास है जिसमें उनके फादर्स के नेम है, ठीक है, तो इसमें ये देखो किसी एक स्टूडेंट के एक ही फादर होगा, ठीक है, और किसी एक फादर की एक ही बेटी होगी, तो ये इसकी एग्जाम्पल एक मानी। और नीचे उसने इसकी एग्जाम्पल वैसे दी हुई भी है, वो उसको बताने से पहले मैं जरा जनरल लाइफ में आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अब आप दोबारा आपको बता दूं सिंपल वर्ड में, कि जितने भी इंस्टेंस होंगे किसी एक क्लास में उस, वो क्या होंगे, लिंक्ड होंगे सिंगल इंस्टेंस ऑफ सेकेंड क्लास, और जितने भी इंस्टेंस होंगे सेकेंड एंटिटी क्लास के, वो हर एक बारी बारी सिर्फ एक ही इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी क्लास के साथ लिंक्ड होंगे, एसोसिएटेड होंगे, मिले होंगे। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी किसी भी एंटिटी क्लास या किसी भी एंटिटी टाइप का जो हर इंस्टेंस है उसका जो फर्द है, देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, उसके लिए सिर्फ एक इंस्टेंस होगा, वो किसी एक इंस्टेंस के लिए लिंक्ड होगा सेकेंड एंटिटी क्लास में, एंड
फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जाम्पल उसने कुछ बताई है, चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 कंपनी है, कितनी कंपनी है, 10 कंपनी है, तो जितने भी 10 कंपनीज होंगे तो वो ये जरूरी होगा कि, अब देखो मैं कहता हूँ चेयरमैन है, जैसे कि मैं कॉलेज की एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपल वर्ड में, कॉलेज है 10 कॉलेज है, ठीक है, और 10 ही हमारे पास उसके प्रिंसिपल हैं, 10 कॉलेज हैं और 10 प्रिंसिपल। अब मुझे ये बताओ क्या जो ये 10 प्रिंसिपल हैं ये किसी एक कॉलेज को तो नहीं क्या कहते हैं लिंक्ड कर रहे हैं, पहले वाला जो प्रिंसिपल है वो अपने वाले कॉलेज के साथ लिंक होगा, दूसरे वाला प्रिंसिपल वो किसी अपने वाले के कॉलेज के साथ वो डील कर रहा होगा, तीसरा प्रिंसिपल अपने कॉलेज के साथ डील कर रहा होगा, तो ये होता है 1-to-1। तो इसी क्या कहते हैं चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट। तो एक वक्त में, यानी अब ये देखो ना, चेयरमैन किस एंटिटी क्लास का इंस्टेंस है, ये हमारी पर्सन एंटिटी क्लास का इंस्टेंस है, तो इससे क्या हो गया कि जितने भी चेयरमैन होंगे किसी भी पर्सन एंटिटी क्लास के, वो रन कर रहे होंगे किसी भी मखसूस डिपार्टमेंट को, ये सारे डिपार्टमेंट्स को नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को वो रन कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी तरह कोई एक डिपार्टमेंट, वो कितने चेयरमैन उसको से रन किया जा रहा होगा, वो एक ही चेयरमैन से रन किया जा रहा होगा, जैसे मैं कहता हूँ स्टूडेंट, यानी जो एक वक्त में एक स्टूडेंट एक ही क्लास पढ़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो पाकिस्तान में ऐसा रूल है कि बच्चा सिर्फ एक क्लास पढ़ सकता है, यानी वो और कोई क्लास नहीं पढ़ सकता, तो स्टूडेंट स्टडी या स्टूडेंट स्टडीइंग इन वन क्लास, ठीक है, या स्टडीज क्लास कितनी पढ़ सकता है एक वक्त में, एक स्टूडेंट एक ही क्लास पढ़ सकता है और एक क्लास एक ही स्टूडेंट से पढ़ी जा सकती है, ठीक है, एक वक्त में। ओके अच्छा, द अबाउट रिलेशनशिप मीन्स दैट वन चेयरमैन रन ओनली वन डिपार्टमेंट, ठीक है, वो कहता है एक जो चेयरमैन है वो कितना डिपार्टमेंट चला सकता है, एक डिपार्टमेंट चला सकता है, सिमिलरली वन डिपार्टमेंट इज रन बाई वन चेयरमैन, यानी एक डिपार्टमेंट एक चेयरमैन से रन किया जा सकता है। ये थोड़ा सा है ट्रिकी सा है मतलब, लेकिन सिर्फ पहला आप 1-to-1 याद कर लें, एग्जाम्पल थोड़ी बहुत आप याद कर लेंगे तो आप समझ आ जाएगी। आगे है मैनेजर, द अबव रिलेशनशिप मीन्स द मैनेजर मैनेज ब्रांच। अच्छा ये जो इसने डायमंड यूज किया ना, ये आपका बेसिकली रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए यूज होता है, ये जो मैनेजर है ये आपकी एंटिटी है, ये ब्रांच भी एंटिटी है, ये जो डायमंड है आपका ये आपका रिलेशनशिप है, आप सिंगल लाइन लिखकर ऊपर भी लिख सकते हैं मैनेज, लेकिन बेस्ट जो अप्रोच है वो मैनेजेस मैनेज लिखें आप और डायमंड के अंदर लिखें, ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है, ठीक है। मैनेजर मैनेज ब्रांच, इसका मतलब ये है कि मैनेजर एक वक्त में एक ही ब्रांच को मैनेज कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और एक ब्रांच एक ही मैनेजर से मैनेज की जा रही होती है, ठीक है, दोनों तरफ। द अबव रिलेशनशिप मीन दैट वन मैनेजर मैनेज वन ब्रांच ऑफ द बैंक एंड सिमिलरली वन ब्रांच ऑफ बैंक इज मैनेज बाई ओनली वन मैनेजर, ठीक है, ये क्या होता है आपका 1-to-1 रिलेशनशिप की एग्जाम्पल होगी। उसके बाद है 1-to-many। अब आपको सिंपल उसमें ये क्या है, ये जो है आपकी वन, ये क्या है पहली एंटिटी क्लास, यानी पहली एंटिटी क्लास का वन इंस्टेंस होगा और दूसरी के क्या होंगे मैनी होंगे, ये आप इधर से आप जेन याद रख सकते हैं 1-to-many, ठीक है। अच्छा दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज वैन, कहते हैं ये कब इस्तेमाल होता है रिलेशनशिप, जब फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी पहली एंटिटी क्लास के हर इंस्टेंस के लिए देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास। अब देखो ना ये सेकंड कितनी क्या है मैनी है, और ये फर्स्ट क्या है वन, यानी वन मतलब ईच, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देर कैन बी ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, ठीक है। ये आपने सिर्फ इन यहाँ सिर्फ ये जुमला याद कर लें तो काम आपका, चारों तीनों डेफिनेशन आपकी हो सकती है, यानी सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, इधर से आपने पहले 1-to-1 लिखना है तो उसमें क्या होगा फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास। अच्छा इसको मैं थोड़ा तर्जमा कर देता हूँ, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी जो पहली आपने कोई भी क्लास दी है, कोई भी आपने एंटिटी का सेट है उसमें क्या होगा देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास, यानी उसके साथ कितनी मल्टीपल एंटिटी क्लास की रिलेशनशिप जो है वो लिंक्ड होंगी, जैसे कि मैं कहता हूँ एक क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, क्लास क्या है 12वीं है, क्लास तो एक ही है ना, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये क्या है 1-to-many, ठीक है। या एक फादर के मल्टीपल पेरेंट्स चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी एक बाप के 3-4 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी 1-to-many है, ठीक है, ये बात समझ आ गई अब आपको। ओके एंड इन सेकेंड एंटिटी क्लास एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देर इज ओनली वन इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, ठीक है,
यानी हमारे पास फर्स्ट एंटिटी क्लास का सिंगल इंस्टेंस। अगर मैं ये फादर और इसका बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल पेरेंट और फादर का लेंस, अगर मैं इधर बनाता हूँ तो ये हमारे पास फादर को मैं ऐप से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी पेंसिल थोड़ी सी खराब है, सेट करने वाली है, तो इसको मैं, अगर मैं चाइल्ड को सी से लिखता हूँ, ठीक है, तो हैव लिख दो या हैज लिख दो, फादर वैसे हैज लिख देते हैं। अच्छा अब देखो, एक एक जो फादर होगा उसके कितने हो जाएंगे, मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। मैनी को इस तरह भी लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं, आगे आप देखेंगे एक फादर के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, और मल्टीपल चाइल्ड के यानी तीन चाइल्ड बच्चों का एक ही बाप हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिहाज से, ठीक है। ये जो वन टू मैनी हमने बनाया है, ओके आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं जरा इसको मैं, ओके अब उसने इसकी एग्जाम्पल दिया जी, ये कॉलेज वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज हैज डिपार्टमेंट, यानी जो हमारा कॉलेज होता है उसके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉलेज के कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं कॉलेज कहता हूँ एक उसमें डिपार्टमेंट हो सकता है, डिपार्टमेंट मतलब उसमें जो ऐसे कह लें ग्रुप्स कह लें सब्जेक्ट, यानी साइंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, FSC मेडिकल हो सकता है, FSC इंजीनियरिंग हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। तो मतलब एक कॉलेज के मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। द पॉपुलेशन मीन्स दैट वन कॉलेज कैन हैव मैनी डिपार्टमेंट्स, बट वन डिपार्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ ओनली वन कॉलेज, ठीक है। कहता है कि एक जो है कॉलेज जो है उसके मैनी डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैनी डिपार्टमेंट, यानी मैं कहता हूँ हमारा, जैसे कि आपको बवासन का कॉलेज, उसमें कहता हूँ दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक हमारा डिपार्टमेंट मैं कह लेता हूँ SAIT वाला है और एक ICS वाला है, ठीक है। तो ये जो ये है किस में कॉलेज में, यानी कॉलेज आपका एक प्यास कॉलेज है, उसमें आपके कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, दो, ठीक है। लेकिन वन कॉलेज कैन हैव मैनी डिपार्टमेंट्स, बट वन डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ ओनली वन कॉलेज, यानी इसमें ये जो मैंने कहा है ना, एक FAIT वाला है या ICS वाला है, वो उसका वो किस कॉलेज का पार्ट होगा, वो सिर्फ एक ही कॉलेज का पार्ट होगा, ठीक है। यानी ये रिवर्स इसमें है, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि एक फादर के तीन बच्चे हैं, एक फादर के तीन बच्चे, अब जरूरी तो नहीं कि तीन बच्चों के तीन फादर हो, नो, एक फादर के तीन बच्चे हैं तो तीन बच्चों का फादर हमेशा एक ही होगा, उनमें से एक जो बच्चा होगा उसका फादर एक होगा, दूसरे बच्चे का फादर एक होगा, तीसरे बच्चे का फादर एक होगा। तब अब अच्छा आ गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर यानी जो हमारा मुलाजम होता है, क्या करता है एम्प्लॉयर, जो हमारे मुलाजमीन को हायर करता है, जिनको नौकरी देता है, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, यानी ये कह रहे हैं द पॉपुलेशन मीन्स दैट एम्प्लॉयर कैन एम्प्लॉय मैनी एम्प्लॉयज। अच्छा ये जो ना थोड़ा सा अजीब सा है, एम्प्लॉयर मतलब जो मुलाजम है, एम्प्लॉयज नौकरी देता है किसको, एम्प्लॉयज को, यानी मुख्तलिफ मुलाजमीन को, यानी वो मुख्तलिफ बंदों को हायर करता है, वो नौकरी पर रखता है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज कर सकता है मल्टीपल एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, यानी एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयज कर सकता है मल्टीपल एम्प्लॉय को, यानी वो बहुत ज्यादा हमारे क्या कहते हैं लोगों को नौकरी दे सकता है, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, यानी बड़ा एक अजीब सी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इधर ये भी लिख सकते हैं कि आप सिंपल वर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिख देता हूँ, फादर हैज चाइल्ड, ठीक है, एक बाप के, इधर आप लिख देते बाप रिलेशन मीन्स दैट वन फादर कैन हैव मैनी चाइल्ड, बट वन चाइल्ड इज हैज ओनली वन फादर, ठीक है। यानी एक बाप के मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं और एक बच्चे का सिर्फ एक ही बाप हो सकता है किसी भी वक्त में। अच्छा उसके बाद है मैनी टू मैनी, ठीक है। अब मैनी टू मैनी में क्या है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज वैन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी जब हमारी पहली एंटिटी क्लास का जो हर इंस्टेंस है, देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, यानी इधर देखे ना मैनी टू मैनी आ रहा है, यानी इसमें दूसरे भी मैनी होंगे, पहले भी मैनी होंगे, यानी इसके अगर मैं खुद एग्जाम्पल बताऊँ, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन वन एंटिटी क्लास। ये जो लफ्ज है ना फॉर ईच, ये आपने नहीं छोड़ना, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास ये आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। फॉर ईच इंस्टेंस आपने फर्स्ट से शुरू होना, ये वाली मैनी क्या है फर्स्ट है, ये मैनी क्या है सेकंड है, फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास, एंड फॉर ईच इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास देर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी हमारे पास दो जमातें हैं, क्लासेस के ग्रुप्स हैं, कहते हैं जो हर एक ग्रुप है ना
उसके मल्टीपल्स हमारे क्या हो सकते हैं उसके, यानी किसी एक ग्रुप के लिए उसके मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, इंस्टेंस हो सकते हैं दूसरी दूसरी जमात में, और किसी दूसरी जमात के एक इंस्टेंस के लिए उसके मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं तीसरी पहली जमात में, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल उसने बताई है स्टूडेंट स्टडीज कोर्सेज, सही है, यानी एक जो वक्त में बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं तालब इलम होते हैं वो कोर्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट पढ़ते हैं मल्टीपल। अब देखो स्टूडेंट उसने क्या कहा है स्टूडेंट, यानी बहुत से बच्चे बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सी बुक्स बहुत से बच्चों से पढ़ी जा सकती हैं, ये सिंपल वर्ड। जैसे कि आप आयत कह रहे हैं तो उसमें 6 या 7 बुक्स होती हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो ये आप 10 12 स्टूडेंट्स हैं तो 12 बच्चे 6 किताबें पढ़ते हैं और 6 किताबें 12 बच्चों से पढ़ी जाती हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड में। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टूडेंट मे स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स मे बी स्टडीड बाई मैनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये ऊपर वाला रिलेशनशिप बताता है कि जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा कोर्स जो है वो पढ़ सकता है और एक कोर्स बहुत ज्यादा स्टूडेंट से पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। आगे रीडर है इसकी, अब कैसे वो कहता है कि जो एक रीडर है वो बहुत सी किताबें पढ़ सकता है, एक रीडर जो है वो बहुत सी किताबें पढ़ता है और एक किताब जो है वो बहुत से रीडर से पढ़ी जा सकती है। अच्छा स्टार्ट आपने एक से शुरू होना है, जिसमें इधर कहा है ना फॉर ईच इंस्टेंस, मतलब एक से शुरू होना है, एक स्टूडेंट बहुत से कोर्स पढ़ सकता है, ठीक है, और एक कोर्स बहुत से स्टूडेंट से पढ़े जा सकते हैं। इसी तरह एक जो रीडर है बुक पढ़ने वाला वो बहुत सी किताबें पढ़ सकती है पढ़ सकता है और एक बुक बहुत से रीडर से या पढ़ने वालों से पढ़ी जाती है। अच्छा उसके बाद ये कार्डिनैलिटी और कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन और मोडैलिटी की डेफिनेशन ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको अगर समझ आ जाती है ना तो उसके बाद ये कार्डिनैलिटी और मोडैलिटी आपके क्या कहते हैं बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली का काम है, आप आसानी से काट लेंगे, ठीक है। आई गेस आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी जगह पर कहीं भी प्रॉब्लम है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, बिना शर्माए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल हैप्पी टू रिप्लाई योर आंसर। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।